तीसरे दिन भी राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ न हो सकी मुकम्मल। राहुल गांधी से कहा गया कि आगे की पूछताछ के लिए वो 17 जून जुमा को पहुंचे ईडी दफ्तर। ईडी के इस रवैये से राहुल गांधी और कांग्रेस के सीनियर लीडरान काफी नाराज। इस पूछताछ को महज राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश दिया करार। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के तीसरे दिन के दौरान भी कांग्रेस लीडरान सरापा एहतजाज। लीडरों को हिरासत में लिए जाने के दौरान दिल्ली पुलिस कांग्रेस दफ्तर में जबरन हुई दाखिल। इस वाकये पर भी पार्टी ने शदीद नाराजगी का किया इजहार। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस और मोदी हुकूमत को भी बनाया तनकीद का निशाना। नेशनल हेराल्ड तनाजुए में ईडी सरबराह की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल। महिला कांग्रेस की एक रुकन ने तौसी के हुक्म को कल अदम करने की अपील। दरखास्त गुजार ने मिस्टर मिश्रा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट को मंसूख करने की हिदायत देने की भी की दरखास्त और इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके जमहूरियत के ढांचे को कर रही है तबाह। 18 जुलाई को होने वाली सदारती इंतखाब में अपोजिशन पार्टियां बरसरे इख्तदार तबके को झटका देने की कर रही हैं तैयारी। एनडीए उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए देखने को मिल रही है खूब बहस। राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी और मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात कर उम्मीदवार के नामों पर मांगा मशवरा। दोनों ने ही कहा कि वो पहले उम्मीदवार का नाम बताएं, फिर करेंगे आगे की पॉलिसी पर तबादला। हिंदुस्तान और आसियान की आज से दो रोज़ा खुसूसी मीटिंग का होगा इनेकाद। आसियान डायलॉग की 30वीं और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 10वीं सालगिरह के मौके पर वज़ीरे खारिजा की हो रही है मीटिंग। वज़ीरे खारिजा एस जयशंकर और सिंगापुर के वज़ीरे खारिजा वेविन बालकृष्णन करेंगे मीटिंग की मुश्तरका सदारत। साल 2022 को आसियान और भारत दोस्ती के साल के तौर पर किया गया है नामजद। हुकूमत ने टेलीकॉम सेक्टर के प्लान 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को दे दी मंजूरी। नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई मरकजी काबिना की मीटिंग में एक करारदाद को दी गई इजाजत। 5G सर्विसेज 4G सर्विस के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तेजी से करेंगे काम। इस प्लान के तहत 72 GHz स्पेक्ट्रम अगले 20 सालों के लिए किए जाएंगे नीलाम। फौज में भर्ती के लिए मोदी हुकूमत के अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बिहार में हंगामा। इस स्कीम के खिलाफ एहतजाज में नौजवानों ने बक्सर में किया ट्रेन पर पथराव। वहीं मुजफ्फरपुर में सड़कों पर हंगामा आराई की खबरें हुई मौसूल। कई मकामात पर सड़कें जाम करके मुजाहरा करने की भी हैं इत्तलात। 80 से ज्यादा मामलों में जेल की सजा काटने के बाद जमानत पर बाहर आए एसपी लीडर आजम खान ने दिया बयान। नाकर्दा गुनाहों का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें जेल भेजे जाने के पीछे पार्लियामेंट में उनके जरिए की गई एक तकरीर असल सबब बनी। जिमनी इलेक्शन में सपा उम्मीदवार की हिमायत में एक रैली से खिताब करते हुए कही ये बात और कहा कि उनकी तकरीर के कुछ बातों से खफा होकर हुकूमत ने इतने दिनों तक उन्हें रखा था जेल में। कर्नाटक में निसाबी किताबों में तरमीम को लेकर चल रहे तनाजुए के दरमियान जारी है एहतजाज। साबिक वजीर कुमने रत्नाकर की क्यादत में कौमी शायर कोयम्पू की समाधि से तीर्थहल्ली तक 18 किलोमीटर निकाली गई पैदल यात्रा। कमेटी की तैयार करदा किताबों को हटाकर साबिका किताबों को ही बहाल रखने का किया गया मुतालबा। यात्रा में तरक्की पसंद तंजीमों के जिम्मेदार अदीब और अहम शख्सियतों ने भी की शिरकत। कर्नाटक के जिला हवेरी में एक किसान खानदान के 4 अफराद ने अपनी खेती की जमीन पर ही जहर पीकर कर ली खुदकुशी। रियासत के बीजेपी के एमएलए नेहरू ओलेकार पर जबरदस्ती जमीन के हथियाने का लगाया इल्जाम। साथ ही उनके मुताबिक एमएलए और उसकी फैमिली ने 29 किसानों से किया था 15 गुंटा जमीन देने का मुतालबा।